Hey guys, this is Dipanshu and you are watching Unbox Technology. So guys, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस MTT M1 Wireless Earphone की. So, let's get started. सबसे सामने आपको MTT की ब्रांडिंग मिल जाती है और पीछे की साइड बात करी जाए तो पीछे आपको मैग्नेटिक ब्लूटूथ हेडसेट लिखा मिल जाता है और इसकी प्राइसिंग लिखी हुई मिल जाती है जो कि है 349 रुपीज़, पर ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा 179 रुपीज़ का. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. इसका जो बॉक्स है वो कार्डबोर्ड से बना हुआ है और इसके अंदर आपको कैरिंग केस मिल जाता है. इसको हम निकाल देते हैं बाहर और उसके नीचे आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है. ये जो है ये है आपका हार्ड शेल केस, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है. हार्ड शेल केस दिया है इन्होंने और इस केस को हम ओपन कर देते हैं और देखते हैं बॉक्स केस के अंदर हमें क्या मिलता है. सबसे ऊपर आपको आपके ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाते हैं. इनको निकालते हैं और रखते हैं साइड में और यहाँ पे आपको इसकी चार्जिंग केबल मिल जाती है और एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं. तो हार्ड शेल केस है, एक केस प्रोवाइड किया है जो कि बहुत बढ़िया बात है. तो गाइज यहाँ पे आपको दो ईयर हुक्स मिल जाते हैं और दो बिग साइज ईयरबड मिलते हैं और दो स्मॉल साइज ईयरबड मिल जाते हैं. और यहाँ पे आप इसकी चार्जिंग केबल देख सकते हो जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है. और यहाँ पे आपको जो इसका पोर्ट मिलता है वो माइक्रो यूएसबी मिल जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो ईयरफोन की साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है. और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंट्रोलर. सबसे ऊपर आपको माइक मिल जाता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं और ऑन करने का बटन मिल जाता है. साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और पीछे की साइड आपको MTT की ब्रांडिंग मिल जाती है. सो गाइज यहाँ पे आप इसका हेड देख सकते हो. इसका जो हेड है वो बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है जो कि बहुत ही सही लगता है देखने में. और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो हेड्स हैं उन दोनों में आपको मैग्नेट मिल जाता है जिसके थ्रू एक दोनों से चिपक जाते हैं. सो गाइज इस ईयरफोन को आपको कनेक्ट करने के लिए आपको इसका पावर बटन ऑन करके रखना पड़ेगा. उसके बाद आपकी ये लाइट ब्लिंक करेगी और जब ये पेयर हो जाएगा तो कुछ इस तरह इसकी ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी. तो बस सिंपली आपने करना क्या है, आपने अपना ईयरफोन अपने ईयर्स में लगाना है और जितना मर्जी चाहे आप अपने फ़ोन से ही गाने सुन सकते हो. इसकी चार्जिंग टाइप की बात करूँ तो ये 1 आवर में चार्ज हो जाता है और ये 3 to 4 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम दे देता है. सो गाइज अब इन ईयरफोन के साउंड क्वालिटी की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है और फ्लैट नहीं देगी आपको, ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्लैट है ये. बट अगर बात करी जाए इसके मतलब इसको जब आप विद इक्वलाइजर यूज़ करोगे आप इक्वलाइजर से इसकी आवाज़ और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो. इसमें बेस स्टार्टिंग में मतलब बिना इक्वलाइजर के कम आएगा बट आप जब इक्वलाइजर इसके साथ यूज़ करोगे इसका बेस थोड़ा बढ़ जाएगा इक्वलाइजर के साथ और इसकी जो क्वालिटी है साउंड क्वालिटी और वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी. तो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपको ख़रीदना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो. इतनी ज़्यादा खास नहीं है इसकी साउंड क्वालिटी, मुझे तो ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी इसकी साउंड क्वालिटी. बट इक्वलाइजर से आप इसको सही कर सकते हो, इसका बेस थोड़ा सही कर सकते हो, इसकी क्वालिटी भी सही कर सकते हो. तो 1799 का ये आपको अमेजोन से मिलेगा. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर ख़रीदना है तो ख़रीद लेना. और बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल अनबॉक्स टेक्नोलॉजी और मेरी रिसेंट वीडियो भी जाके देख लो और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाके फॉलो कर दो. तो हे दीपांशु साइन ऑफ.